युगों युगों तक चलता रहेगा। आपका यह कारवा होगी हर सावन भोले की आराधना। ब्रह्मलीन श्री राजा अग्निहोत्री जी की प्रेरणा व संस्था राजा सेवा न्यास द्वारा सावन के इस पवित्र माह में आयोजित होने वाली प्रदेश की भव्य एवं निःशुल्क बोलबम कांवड़ यात्रा का यह सफलतम 18वां वर्ष है। बोलबम कांवड़ यात्रा सिरपुर शिव मंदिर पेट्रोल पंप से महाकाल मंदिर उज्जैन। यात्रा दिनांक 11 अगस्त शनिवार प्रातः 8 बजे। यात्रा संयोजक विशाल अग्निहोत्री गोलू भैया, आयोजक प्रशांत अग्निहोत्री रानू भैया, निवेदक संस्था राजा सेवा न्यास। नमस्कार, मैं आशा चौहान आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में स्वागत करती हूँ। और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों की तरफ। राजगढ़ ब्यावरा हाईवे के ओवरब्रिज पर बाइक सवार 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 3 की मौत और 1 गंभीर रूप से घायल। सीहोर के इक्छावर विधानसभा क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। कांग्रेसी विधायक शैलेंद्र पटेल ने किसानों के साथ राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। सीहोर में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने सीसीटीवी सिटी सर्विलेंस सिस्टम की शुरुआत। धामनोद के ग्राम गुलझरा में एक महापूर्व हुई 12वीं की छात्रा नेहा कर्मा की आकस्मिक मौत के मामले में नया मोड़ आया है। बताया जा रहा है कि 12वीं की छात्रा नेहा कर्मा की 26 जून को आकस्मिक मौत के एक माह बीतने के बाद भी परिजनों को धामनोद पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी और न ही प्राथमिक बयान लिए गए। परिणाम स्वरूप पीड़िता की माँ ने समाज सेवकों का सहारा लेकर कलेक्टर के नाम धर्मपुरी तहसीलदार को उच्च जाँच हेतु ज्ञापन सौंपा गया और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई और न्याय नहीं मिलने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दी। धर्मपुरी से जगन्नाथ यादव की रिपोर्ट। आज एक ज्ञापन दिया है, एक 27/6 को एक मामला हुआ था गुलझरा में। एक 18 साल की लड़की थी जिसकी किसी आकस्मिक कारणों से निधन हो गया था। इस निधन के बाद पोस्टमार्टम थाना धामनोद द्वारा करवाते हुए, डॉक्टरों से PM करवाते हुए बाडी परिवार के सुपुर्द सौंप दी गई। उसके बाद में उन्होंने किसी प्रकार से काम को आगे नहीं बढ़ाया, न ही किसी प्रकार से प्राथमिक बयान दर्ज हुए। मामला यह है कि जिस दिन लड़की का आकस्मिक निधन हुआ उसके 1 दिन पहले उसका मोबाइल चोरी हुआ था। परिवार को अनेक प्रकार की आशंकाएँ हैं कि हो सकता है मोबाइल चोरी होने पर कुछ न कुछ मामला हुआ हो जिसके कारण उसका निधन हुआ हो। इस प्रकार की अनेक शंकाएँ हमारे सभी के मन में। इसको लेकर जब अस्पताल पूछने गए तो अस्पताल प्रशासन द्वारा कहा गया कि हो सकता है कि लड़की ने कुछ खा लिया हो। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि राजनीतिक दबाव के चलते हुए पूरा प्रशासन इस मामले को दबाने में लगा हुआ है। हमारी बहन की अचानक से मृत्यु हो गई है तो पुलिस प्रशासन ना उसका कुछ कार्रवाई कर रही है, ना तो हमको अभी तक PM रिपोर्ट दी है। थाने पर बुलवा के हमको बिठा रखते हैं और कार्रवाई करके ऐसे भिजवा देते वापस। दिनांक 26/27 की रात्रि में नेहा डॉटर ऑफ गणेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी, जिसको मृत अवस्था में जिला शासकीय अस्पताल ले गए थे जहां उसको पोस्टमार्टम करवाया गया था। और इस संबंध में थाने पर मर्ग दर्ज कर जांच की जा रही है, जिसमें अभी PM रिपोर्ट कल शाम को ही प्राप्त हुई है और जाँच उपरांत और PM रिपोर्ट और FSL की रिपोर्ट आदि आने के उपरांत कार्रवाई की जा रही है। राजगढ़ ब्यावरा हाईवे के ओवरब्रिज पर बाइक सवार 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 1 गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक कमल निवासी दूधी और दुले सिंह निवासी ग्राम रमदानी या मजदूरी का काम करते थे, जिन्हें अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे उपचार के लिए भोपाल भेजा गया है। सीहोर के इच्छावर विधानसभा क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं कांग्रेसी विधायक शैलेंद्र पटेल ने क्षेत्र के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों के किसानों के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम वितरण में पक्षपात का आरोप लगाते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी विधायक शैलेंद्र पटेल ने BJP सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र के BJP समर्थित गांवों को छोड़कर शेष गांवों में दिया गया बीमा क्लेम ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है, सरकार का ये रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान उनके साथ आए किसानों ने सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की।
सीहोर में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने सीसीटीवी योजना के अंतर्गत जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सीसीटीवी सिटी सर्विलेंस सिस्टम की शुरुआत के साथ ही संकल्पित वृक्ष महोत्सव मनाया और सीसीटीवी योजना का शुभारंभ दूरसंचार पुलिस मुख्यालय भोपाल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उपेंद्र जैन ने किया। इस योजना में फिलहाल शहर में 20 फिक्स कैमरे लगाए गए हैं। इसके योजना के अंतर्गत जिले में लगभग 120 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर उनकी सर्विलेंस का कार्य बनाए गए कंट्रोल रूम से किया जाएगा। भोपाल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उपेंद्र जैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि शहर में लगाए गए इन कैमरों की मदद से निश्चित तौर पर अपराध को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं मंडी स्थित पुलिस लाइन परिसर में भोपाल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक जयदीप प्रसाद, ग्रामीण रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक KB शर्मा की अगुवाई में SP राजेश सिंह चंदेल सहित जिले में पदस्थ सभी पुलिस अधिकारियों ने पौधे रोपे और रोपित पौधों पर अपने नाम का टैग डालकर उनके पलवन की जिम्मेदारी भी ली। इस मौके पर लगभग 500 पौधे रोपे गए। व्यवस्था की सीहोर में से इन सभी शहरों में आवश्यकता अनुसार चौराहों पर और अलग अलग उदाहरण के तौर पर सीहोर में 20 स्थानों पर 120 कैमरे लगे, इनमें से 4 स्थानों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे। ये सभी वो स्थान हैं जो महत्वपूर्ण हैं सुरक्षा और नागरिकों की दृष्टि से, और इन सभी 61 शहरों का जो फीड है वो उन शहरों के कंट्रोल रूम में भी जा रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, और हमारे पास भोपाल में जो सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम है वहाँ पर जो फीड आता है। SP सीहोर के इनिशिएटिव पे आज पुलिस लाइन सीहोर में हम लोगों ने एक वृक्षारोपण का बेहद कार्यक्रम किया। लगभग 1000 पौधे उसमें लगाए गए, उसमें हमारे DIG कलेक्टर सीहोर सभी शरीक हुए, और उसमें एक नया प्रयोग किया गया है जिसमें टैग लगाया जा रहा है, ग्रीन टैग, जिससे कि हम उसके ग्रोथ को भी मॉनिटर करेंगे। हर एक पेड़ की ग्रोथ को मॉनिटरिंग होगी ऐप के जरिए। खातीगांव में दादाजी सेवा भक्त मंडल द्वारा वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर रवि शर्मा ने कहा कि वृक्ष हम सबको जीवन देते हैं, वृक्ष में भगवान का वास है, वृक्ष के बिना हम मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए मानव जीवन में हर व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए। इसी बीच कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हरियाली महोत्सव से प्रेरणा लेकर वृक्षारोपण कार्य का श्री गणेश 13 वर्ष पूर्व किया था। संयोजक रवि शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप साहू, प्रदेश कीर्तन प्रभारी कैलाश माली, युवा प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष धीरज जोशी, पत्रकार श्रवण पवार की उपस्थिति रही। वृक्ष लगाने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। वृक्षों से मुझे जन्म से ही प्रेम है। जब मैं 10 वर्षों का था तब से ही गांव में भी यहां पर खातीगांव में आया, जब से 5000-7000 वृक्षों का लगाकर उन्हें वृक्ष बना दिया है, पौधे लगाकर उन्हें वृक्ष बना दिया है। कहाँ से मिली आपको ये पौधा लगाने की प्रेरणा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करी थी तब उन्होंने काफ़ी कुछ वृक्षारोपण के ऊपर बोला था, और शास्त्रों में भी वृक्षों के बारे में वर्णन किया गया है कि एक वृक्ष लगाने से इतना पुण्य मिलता है। खातीगांव से भारतीय जनता युवा मोर्चा के शाजापुर जिला प्रभारी संतोष मीणा के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सावन माह में विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ यात्रा का शुभारंभ भगवान सिद्धेश्वर के तट मां नर्मदा के नाभि स्थल नेमावर नर्मदा तट से नर्मदा जल लेकर प्रारंभ की गई। देखिएगा, मैं एक छोटे से घर का व्यक्ति हूँ, छोटे से परिवार में मेरा जन्म हुआ और किसान का पुत्र हूँ, और मेरे मन में एक ललक आई कि कहीं ना कहीं सेवा करना चाहिए। सेवा को लेकर मैं राजनीति में आया, और राजनीति में पूरी विधानसभा में लोगों से मिलना, लोगों की समस्या सुनना, लोगों का कार्य करना, लोगों के साथ बैठ के उनके साथ बात करना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, इसी प्रकार चलते चलते मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अपनी विधानसभा क्षेत्र में 2 सिद्ध स्थान हैं, एक सिद्धेश्वर नेमावर माँ नर्मदा का नाभिकुंड है, जहाँ विश्व के लोग आते हैं और माँ नर्मदा जी की पूजन पाठ करते हैं। ऐसी माँ जननी माँ नर्मदा जी के किनार से, भगवान शिव के मंदिर से मुझे प्रेरणा मिली कि कहीं ना कहीं मुझे एक कांवड़ के माध्यम से क्षेत्र के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठों को, श्रद्धालुओं को एक दूसरे का जोड़ने का एक मौका मिलेगा। इसी तरीके में भिजवाड़ में विजेश्वर धाम भिजवाड़ है, वहाँ भी विजेश्वर धाम पे बहुत सिद्ध स्थान है भिजवाड़ का, जो दोनों खातेगांव विधानसभा में पड़ते हैं।
बस इसी मन उल्लास और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमने यात्रा का प्रारंभ करा और यात्रा आज तीसरे वर्ष पे है, आज तीसरा वर्ष है यात्रा का। देवास जिले के खाते गांव से महज 15 किलोमीटर दूर ग्राम ओलंबा में मां ब्रजेश्वरी धाम पर्वत पर पहुंचे हरिद्वार से आए शांति कुंज के काली चरण शर्मा ने कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन में पौधारोपण अवश्य करना चाहिए, गुरु पूर्णिमा से श्रवण पूर्णिमा तक कभी भी पौधारोपण करें। बेटी के जन्म पर पौधारोपण की परंपरा डाले समर्थ व्यक्ति नर्सरी लगाकर पौधे दान करे, इसी के साथ मां गायत्री का पूजन कर यज्ञ के साथ पृथ्वी माता की गोद में पौधारोपण किया गया। माता टेकरी पर एक साथ 1100 तरु पुत्र पौधे रोपित किए गए, साथ ही माता टेकरी को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से गायत्री परिवार खातेगांव एवं ग्राम पंचायत ओलंबा के द्वारा वृक्ष गंगा अभियान के तहत 1100 तरु पुत्र महायज्ञ के माध्यम से वृक्षारोपण किया गया। सब ये जो हमारे माताजी का धाम है माँ ब्रजेश्वरी धाम ग्राम ओलंबा में, इसकी पहाड़ी ये लगभग 6 एकड़ की पहाड़ी का टेबल टॉप है, इस पे हम लोगों ने वृक्षारोपण का ये अभियान छेड़ा था जिसमें गायत्री परिवार का अतुलनीय सहयोग रहा है। आज हम एक ही समय एक ही मिनट में पूरे 1100 पौधे यज्ञ वातावरण में तरुपुत्र महायज्ञ के द्वारा रोपण करेंगे और सभी लोग पूरे ग्राम की जनता क्षेत्र जनता जो है इन वृक्षों की सुरक्षा की संकल्प लेंगे। इसका लक्ष्य है कि वृक्ष गंगा अभियान एक जन अभियान बन जाए, हमारे देश का हर आदमी नहीं तो कम से कम आधे आदमी, 100 करोड़ तो हिंदू होंगे ही हमारे देश में, उसमें से 50 करोड़ लोग यदि साल में एक पेड़ लगा दें तो ये देश फिर से स्वच्छ श्यामला हो जाएगा। नहीं तो अभी तो पूरे संसार में सबसे कम पेड़ यहीं बचे हैं और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसलिए वर्षा जलवायु गर्मी का बढ़ना ये बहुत सारे चीज़ प्रभावित हो गए हैं। यदि ठीक करना है तो फिर से संकट मोचक भगवान शंकर के रूप में जो पेड़ हैं इन्हीं को बड़ी संख्या में लगाना पड़ेगा। ये हरिशंकरी है, इसमें नीम है, बरगद है और पीपल है। इसी तरह पंच पल्लों वाले वृक्ष होते हैं, इसी तरह फलदार वृक्ष होते हैं, इमारती लकड़ी वाले वृक्ष होते हैं। तो ऐसा संदेश दिया जा रहा है कि कोई ऐसा तालाब ना छूटे जहाँ पर हम पेड़ ना लगाए हुए हों, कोई बंजर भूमि ऐसे ना छूटे जिसमें हम इमारती लकड़ी ना लगाए हुए हों, और कोई मंदिर ऐसा ना छूटे जहाँ पर देवल वृक्ष कहते हैं जड़ी बूटियों वाले औषधि वाले वृक्ष ना लगाए हुए हों। ये संदेश पूरे देश में प्रचारित कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे यानी कि आस्था चौहान को दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं News 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश। युगो युगो तक चलता रहेगा आपका यह कारवा, होगी हर सावन होली की आराधना। ब्रह्मलीन श्री राजा अग्निहोत्री जी की प्रेरणा व संस्था राजा सेवा न्यास द्वारा सावन के इस पवित्र माह में आयोजित होने वाली प्रदेश की भव्य एवं निःशुल्क बोलबम कांवड़ यात्रा का ये सफलतम 18वां वर्ष है। बोलबम कांवड़ यात्रा सिरपुर शिव मंदिर पेट्रोल पंप से महाकाल मंदिर उज्जैन, यात्रा दिनांक 11 अगस्त शनिवार प्रातः 8 बजे। यात्रा संयोजक विशाल अग्निहोत्री गोलू भैया, आयोजक प्रशांत अग्निहोत्री रानू भैया, निवेदक संस्था राजा सेवा न्यास।